छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग हुए पूरे 18 साल हो चुके हैं। 1 नवंबर 2000 को ये अलग राज्य के रूप में देश के नक्शे पर उभरा था। जब अलग प्रदेश बना उस समय भी अधोसंरचना अच्छी खासी नहीं मानी जाती थी। मध्य प्रदेश की सरकार पर भी ये आरोप लगा था कि छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को मध्य प्रदेश में दोहन किया जाता है। ऐसे में जब पहली सरकार अजीत जोगी की बनी तो उसमें कुछ कार्यों को अंजाम दिया गया, लेकिन 3 साल बाद जोगी सरकार को आम जनता ने नकार कर भाजपा को सत्ता में बिठाया, जो लगातार कार्य करते हुए 15 साल तक आम जनता के बीच रही। इन 18 सालों में माना जाता है कि अब प्रदेश बालिग हो चुका है। ऐसे में हमारी टीम ने राज्योत्सव के अवसर पर राजधानी के कुछ आम लोगों से अधोसंरचना और विकास पर चर्चा की तो कमोबेश स्थिति हाँ और ना में ही रही। किसी ने विकास को सिराखों पर चढ़ाया तो किसी ने सिर्फ शहर में विकास का होना बताया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में विकास के पैमाने में सरकार ने दोहरे मापदंड को बताया। अब आप ही सुनिए कि किसने क्या कहा। छत्तीसगढ़ के 18 साल बनने के बाद में मुझे तो लगता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। रोड या हो या बिजली हो या पानी हो, सब तरह से जैसे भी मतलब तरक्की होनी चाहिए हुई है। और जब मध्य प्रदेश में था छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का जितना भी पैसा था वो पूरा मध्य प्रदेश जाता था। मध्य प्रदेश में जाने के कारण क्या होता था कि छत्तीसगढ़ को कोई तवज्जो नहीं मिलती थी। वैसे सबका खामियाजा, छत्तीसगढ़ के लोग बहुत भुगते हैं। आज छत्तीसगढ़ के लोगों के पास में सही बात कहा जाए तो बहुत ही रिच या अमीर लोग हैं आज की डेट में। MP में जब था तब विकास का पैमाना कम था। अभी नया राज्य बनने के बाद 18 साल बाद बालिग होने के बाद और भी ज़्यादा इसका विकास है और आगे भी उत्तरोत्तर इसका विकास होता रहेगा। रमन सिंह के शासन में बहुत विकास हुआ है, उसमें नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत साथ रहा है केंद्र सरकार का। देखिए क्या है कि जोगी जी की सरकार थी तो 3000 करोड़ रुपये का बजट था। आज लगभग 1 लाख करोड़ की बजट है। तुलनात्मक दृष्टि से अगर कोई अपन कहें तो काम बहुत कम हुआ है। जितना विकास दिखता है शहरों में ही दिखता है। गांव में आप सरायपाली बसना सरीखे मतलब इलाके के 10 किलोमीटर अंदर के गांव में चल दीजिए, बस्तर में आप आज भी चल दीजिए, ये लोग शौचालय लगाए हुए हैं क्योंकि शौचालय में डालने के लिए पानी नहीं है। लोगों को शुद्ध पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। बच्चों को बैठने के लिए स्कूलों में टाट पट्टी नहीं मिल रहा है। अब इसको आप किस प्रकार के विकास कहते हैं मेरे को ये समझ नहीं आता। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।